आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। ये नोटिस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कथित आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी जोगिंदर को भेजा गया है। संजय सिंह ने अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर माफी मांगने वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि ईडी ने चार्जशीट में मेरा नाम झूठा डाला है, किसी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद केस में मेरा नाम होना इस बात के संकेत है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुझे बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम अपनी कंप्लेंट में डाला है, जबकि मेरे खिलाफ ना तो कोई गवाह है और ना ही सबूत। दरअसल आप नेता संजय सिंह ने गुरुवार को ही कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोप पत्र में फर्जी तरीके से नाम शामिल करने को लेकर मैं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। उधर इस मसले पर बीते शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए टॉर्चर के साथ हर हथकंडे अपनाने पर उतारू है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर दबाव डालकर झूठे बयान लिए जा रहे हैं। संजय सिंह के मामले में उन्होंने कहा कि ईडी ने जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर संजय सिंह का नाम अपनी चार्जशीट में लिया है, उसने अपने बयान में वैसा कुछ नहीं कहा जैसा कि चार्जशीट में ईडी ने उल्लेख किया है।